नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे उत्पाद के बारे में जो जमीन के अंदर कीटों को नियंत्रित करने के साथ साथ फसलों का उत्पादन भी बढ़ाता है, और उस उत्पाद का नाम है कैप्कैडिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्कैडिस क्या है। कैप्कैडिस एक से ज़्यादा कीटों को नियंत्रित करने वाला एक प्रणालीगत कीटनाशक है। कैप्कैडिस के अंदर टेक्निकल थायमेथोक्साम 75% SG फार्मूलेशन में है। SG का मतलब होता है सोलुबल ग्रेन्यूल से होता है। ये पानी के अंदर बहुत तेज़ी से घुल जाता है। ये पौधों को कीटों से बचाने के लिए पौधों के अर्क से विकसित किया गया है। कैप्कैडिस मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाने का काम करता है। मिट्टी में पोरोसिटी को काफ़ी बढ़ा देता है, यानी मिट्टी के अंदर हवा का आवागमन ठीक से होता है, जिसकी वजह से पौधों में जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत अच्छा होता है। आइए बात कर लेते हैं कैप्कैडिस के क्या क्या फ़ायदे हैं। कैप्कैडिस का काम पौधों की जड़ों के आसपास पड़े हुए पोषक तत्वों को घोलकर जड़ों तक ले जाने का काम करता है, जिससे पौधों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसी को NUE टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। NUE का मतलब होता है न्यूट्रेंट अपटेक इफिशेंसी, यानी पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कहा जाता है। कैप्कैडिस बुनियादी उपचार से पौधों में सुधार करता है। ये पौधों द्वारा तेजी से ग्रहण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक उपज और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और लंबे समय तक चलने वाला प्रणालीगत नियंत्रण देता है। कैप्कैडिस दीमक पर 45 से 50 दिनों तक असरदार नियंत्रण दिखाता है। इसके अलावा सफ़ेद गीडार और बायर कीट पर भी अपना अच्छा नियंत्रण दिखाता है। कैप्कैडिस फसलों के लिए बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। ये सिर्फ जमीन के हानिकारक कीटों के लिए बना है। ये भूमि में लाभदायक जीवाणुओं और केचुओं को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। कैप्कैडिस पौधों की जड़ों द्वारा जल्दी सोख लिया जाता है और पौधों के सारे भागों में तेज़ी से फैल जाता है। कैप्कैडिस को पहले खाद यानी बेसल डोज के साथ इस्तेमाल करने से इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। जैसे पौधों के अंदर हरापन बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादा कल्लों का फूटना और बेहतरीन व मजबूत जड़ों का विकास होता है, जिससे एक अच्छी फसल की शुरुआत होती है। ये पौधों के पोषक तत्वों को बढ़ावा देता है और प्रभावशाली पोषक तत्वों के इस्तेमाल से सर्वश्रेष्ठ फसल की बढ़ोतरी होती है। कैप्कैडिस के इस्तेमाल से पौधों में एक समान वृद्धि और विकास होता है। आइए बात कर लेते हैं कैप्कैडिस का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है। कैप्कैडिस का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है, जैसे गेहूं, धान, आलू, मक्का, गन्ना, मूंगफली, कपास, चना, मटर, सरसों, ज्वार, बाजरा यानी शर्करा वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में, दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में, सभी प्रकार की सब्जियों में, फलों वाले वृक्षों इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं कैप्कैडिस को कैसे इस्तेमाल करें या इसका मिश्रण कैसे बनाएं। तो सबसे पहले कैप्कैडिस की आवश्यक मात्रा को प्रति एकड़ की दर से माप लें। इसके बाद कैप्कैडिस की थोड़ी मात्रा को 200 ml पानी में मिलाएँ। बाद में शेष मात्रा को पानी में अच्छी तरीके से मिला लें। इसके बाद खाद या रेत के साथ मिश्रण बनाएं। यदि आप खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले 20 किलो खाद ले लें। कैप्कैडिस की मात्रा यदि आप गन्ने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मिश्रण बनाएं। यदि आप रेत के साथ कैप्कैडिस को मिलाना चाहते हैं तो 7 किलो रेत को प्रति एकड़ की दर से मिला लें। मिश्रण को खाद या रेत के साथ टॉप ड्रेसिंग के तौर पर प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है। ध्यान दें, कैप्कैडिस का इस्तेमाल फोलियर स्प्रे यानी पत्तों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। कैप्कैडिस का इस्तेमाल करने से पहले या बाद में खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। ध्यान दें, किसी भी प्रकार के रसायन का घोल एक रात से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कैप्कैडिस की डोज प्रति एकड़ क्या है। गन्ने में कैप्कैडिस की डोज 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी सभी प्रकार की फसलों में 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। आइए बात कर लेते हैं कैप्कैडिस की पैकिंग साइज़ क्या है। कैप्कैडिस की पैकिंग साइज़ 50 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम की पैकिंग साइज़ में उपलब्ध है। यदि हम बात करें कैप्कैडिस का प्रति एकड़ खर्च कितना आता है, तो 50 ग्राम कैप्कैडिस का खर्चा लगभग 350 रुपये आता है
और 100 ग्राम कैपकेट का खर्चा लगभग 700 रुपये आता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।